हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अक्सर मैं वर्ग 3 से संबंधित वीडियो ला रहा हूँ, आपके जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन है उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर ये बताएं कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप मेहनत कर रहे हैं और फोकस के साथ मेहनत कर रहे हैं तो जीत तो आपकी होनी ही है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखें दोस्तों कि हर कोई पढ़ाई कर रहा है और हर एक की अलग अलग कंडीशन है, उनकी जो निजी लाइफ होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उन्हें फेस करते हुए वो कुछ टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और एक सपना संजोए हुए हैं कि वर्ग 3 में बेस्ट स्कोर करेंगे और उसके बाद उन्हें जॉब मिलेगी। यहाँ पर जब आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आप उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो कि रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के आधार पर आगे बढ़ने की सोच रखी है। यही आपको करना है दोस्तों। पढ़ाई जो है आपके अंदर आत्मविश्वास लाती है और उसी आत्मविश्वास के आधार पर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अपनी रेगुलरिटी कभी ब्रेक ना होने दें, कभी भी मन में यह ख्याल ना आने दें कि हम इतनी पढ़ाई तो कर रहे हैं, क्या हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 100% मिलेगी। और दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि जहां पर कोई भी पढ़ाई करता है वो सेल्फ करता है, अपने लिए करता है, एक कंपटीशन निकालने के लिए करता है। तो यहां पर आप यदि गाइड करेंगे तो खुद के लिए गाइड करें दोस्तों। आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में श्री कृष्ण बन के आएगा और आपको गाइड करेगा, नहीं। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप ही अर्जुन हैं जो कि युद्ध कर रहा है, जो कि अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है और उस कंपटीशन में बेस्ट नंबर लाने की सोच रहा है। वो किस आधार पर सोच रहा है? अपनी पढ़ाई के आधार पर। आप ही वो श्री कृष्ण हो जो खुद को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हो। या कोई आपकी लाइफ में और श्री कृष्ण बन के नहीं आएगा। आपके श्री कृष्ण कौन है? आप स्वयं, जो खुद को लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट पढ़ाई करना है। क्योंकि एक सिद्धांत बहुत छोटा सा है लेकिन इसकी आप मायने समझ जाएं तो बहुत बड़ा है। ये सिद्धांत अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि तैयारी में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। कंपटीशन में लोग फेल नहीं होते हैं, वो अपनी तैयारी में फेल हो जाते हैं। कंपटीशन में तो उसका रिजल्ट आता है। तो तैयारी में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। तो अपनी तैयारी में कभी फेल मत होना, फिर देखो कंपटीशन में तो आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अंदर विश्वास जमाए रखें, अपने कृष्ण स्वयं बने, अपने आप को स्वयं गाइड करें। यदि आप अपने आप को गाइड करने लगे ना, अपने आप का उत्साह स्वयं बढ़ाने लगे ना, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये वेस होता है आपके पढ़ाई का दोस्तों। आप जब आधार पढ़ाई बना लेते हैं तो उस बेस पर आपके अच्छे नंबर आते हैं, उसी के आधार पर चयन सूची में नाम आता है और आप सिलेक्टेड कैंडिडेट कहलाते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों। तो इस कुरुक्षेत्र में आप ही अर्जुन हो, आप ही कृष्ण हो और आप ही अपने लिए प्रयास कर रहे हो। और हर एक इंसान, कहते हैं ना, कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेला था, सिर्फ गाइडेंस श्री कृष्ण भगवान का था। इस युद्ध में आप अकेले हो, सिर्फ गाइडेंस आपका अपना है। तो खुद को बेस्ट गाइड करें और बेस्ट स्कोर हासिल करें और 100% सफलता प्राप्त करें। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।